हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ बीन वैक्स की। आप खुद भी घर पे भी कर सकते हैं और पार्लर अगर खोलना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है। ये जो मोम होता है, पहले मोमबत्ती होती थी, पहले ज़माने में जैसे लाइट की जगह मोमबत्ती यूज करते थे, उसको पिघला करके उसी तरीके से ये बनाई जाती है। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, कोई वैसी रेमेडी नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ें ये बहुत अच्छी होती हैं, जो डल स्किन होती है हमारी उसको भी रिमूव कर देती है। तो बीन वैक्स ऐसे ही इन चीज़ों से बनाई गई है, मोम वगैरह से, नेचुरल चीज़ों से ही, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जिस रूट में हमारे हेयर्स थे उसी रूट में हमने इसको बीन वैक्स को लगाया है और उसके अपोजिट तरफ इसको उखाड़ा है। ऐसे ही आप लोगों को करनी है। इस वैक्स को लगाने का एक और ध्यान रखना है दोस्तों कि ये ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म हो जाती है तो स्किन पे लगते ही स्किन हमारी जल जाएगी, और ना ही ठंडी होनी चाहिए। ठंडी होने के टाइम तो ये लगती ही नहीं है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाती है दोस्तों। तो आपको ये नॉर्मल सा ही लेना है, इसको गर्म करना है नॉर्मल से। ज़्यादा गर्म भी हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो देखो, बीन वैक्स का तरीका मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लेकर के आई है दोस्तों। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही न्यू वीडियो है। आजकल बीन वैक्स से हमारे फेस के जो भी हेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स, उनको अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो जिस रूट में हेयर्स है उसी रूट में आपको बालों को के साइड के इसको वैक्स को, बीन वैक्स को लगाना है, उसके अपोजिट तरफ उखाड़ना है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों, ये ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस मौसम में वैसे नमी के कारण वैक्स होती नहीं है कोई भी प्रकार की, तो ये भी जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन ये लगती नहीं है। तो ये हमने एसी लगवा रखा है, तो एसी के टाइम में ये अच्छे से हो जाती है। देखो, ये एक्स्ट्रा एयर्स हमारे किसी भी पार्ट में है तो उस पे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हैंड से ही उखाड़ना होता है, पट्टी नहीं लगती है इसकी। तो पट्टी कोई मतलब पट्टी से सबसे बेस्ट होती है, ये डायरेक्ट स्किन के ऊपर लग के और दबाव लगा करके अच्छे से मर्च करके स्किन के अंदर, उसके बाद ही हल्के से आप धीरे से उखाड़ सकते हैं और एकदम भी उखाड़ सकते हो, बिल्कुल धीरे 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 करके भी आप लगा सकते हैं। तो देखो, वैक्स लगाने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस रूप में हेयर्स है उसी रूप में लगाते हुए और स्पेचुला को इतने अच्छे तरीके से लगानी है कि स्पेचुला हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जो स्किन पे हानिकारक हो जाए और पैचेज पड़ जाए, और हाथों से भी ज़्यादा दबाव नहीं डालना दोस्तों, नॉर्मल ही रखना है। देखो, आप इनके बीन वैक्स हमने लगाई है तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से लगा करके उसके अपोजिट तरफ वैक्स पट इसको वैक्स को बीन वैक्स को लगाएंगे और उसके अपोजिट इसको उखाड़ा है हमने लगा करके। तो थोड़ी थोड़ी करके भी आप ले सकते हैं इस वैक्स को और एकदम कंप्लीट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूँगी कि थोड़ी थोड़ी वैक्स द्वारा ही वैक्स के से हेयर आपके हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि दबाव लगा करके स्किन को ऊपर नीचे दोनों तरफ टच करके अच्छे से थोड़ी थोड़ी में ही होता है।
अच्छे से, तो ज़्यादा हेयर्स ले करके और लंबा करके अगर वैक्स पट्टी की तरह करेंगे तो ये हेयर्स नहीं आते दोस्तों। तो एक्स्ट्रा हेयर्स हमारे फेस पे जितने भी थे हमने कंप्लीट करवाते हुए आप लोगों को दिखाया ये वीडियो। प्लीज़ वीडियो को इतना शेयर करें कि जो काम नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। देखो वैक्स, ये बिन वैक्स उसी एरिया में लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे हेयर्स दिख रहे हैं दोस्तों। और गर्मी का मौसम है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। पानी की कमी से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। मैं कहती हूँ पानी तो बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, हमारा पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी की ही नीड ज़्यादा रहती है, क्योंकि दिनों में इतना सारा पसीना आ जाता है और गर्मी होती है तो मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी से हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है और हमारे हेयर्स में भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है और बाल बढ़ते भी हैं। तो देखो इनके जिस रूप में हेयर्स हैं उसी रूप में हमने वैक्स लगा करके उसके अपोजिट तरफ करते हुए वीडियो को बनाया और दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें, कंप्लीट वीडियो से ही आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। और कम करके वीडियो को ना देखें, आगे पीछे कम ना करें, कंटिन्यू चलाते हुए आप वीडियो को देखा करें। देखो उसके अपोजिट तरफ ही हमने उखाड़ा है, क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे डायरेक्शन में जाने से वैक्स बहुत अच्छा रिजल्ट दिखती है और हमारी स्किन अच्छे से, जो डल स्किन है वो रिमूव हो जाती है, हेयर्स भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छे से स्टिच करके अगर इसको वैक्स को ऊपर की तरफ नहीं उखाड़ेंगे, ये वैसे तो ये नॉर्मल जो वैक्स होती है वो ये इसमें इतना ही फर्क है कि वो गर्म करके पट्टी से लगानी पड़ती है स्किन के ऊपर, इसको गर्म करके डायरेक्ट हैंड से इसी को लगानी, यानी इस पर चूल्हा वगैरह तो लेना पड़ता है लेकिन ये झंझट नहीं है, पट्टी से लेना है। और ज़्यादा हेयर्स भी नहीं आते दोस्तों हमारे, कंटिन्यू ये वैक्स करवाने से बिल्कुल कम हो जाता है। तो थ्रेडिंग में भी आप लोगों को मैं वैक्स दिखा रही हूँ, थ्रेडिंग भी आप किसी भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके आप सबसे पहले कंप्लीट काम सीखने की बहुत ज़रूरत है। प्रॉपरली ज्ञान होएगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपरली ज्ञान होने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और बहुत सारा लाइक करें। देखो अब ये हेयर्स दो हैं, हेयर्स के जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स है वो अच्छी तरीके से रिमूव करते हुए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और अगर ये वीडियो कैसी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखो कितने अच्छे तरीके से, मतलब हमारी स्किन सॉफ्ट भी हो जाती है दोस्तों, इससे ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो डल स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, तो हमारी स्किन इतनी ग्लो करती है सॉफ्ट और स्मूथ होने के बाद। यही बिन वैक्स ही करवाए फेस पे, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो डल स्किन निकल जाती है, एक ज़्यादा इतना पेन नहीं होता, और एक सबसे बढ़िया बात ये है दोस्तों कि जल्दी से हेयर्स नहीं आते हमारी स्किन के ऊपर, बहुत टाइम लग के ही आते हैं और शुरू करवाने से धीरे धीरे ये कम भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही आप चैनल पे बने रहना और चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डले वो आपके नोटिफिकेशन पे पहुंच जाए और जब भी आप यूट्यूब खोलें तो आपके पास आ जाए और आप टाइम टू टाइम हमारी वीडियो देखते रहें। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं यूँ ही डालती रहती हूँ। और जब आ गई ये जो चिन का एरिया, जो अपर का जो एरिया बच गया है उस पर हमने कंप्लीट दोबारा से ये बिन वैक्स लगाते हुए बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे
हल्के हल्के बहुत पतले पतले ईयर्स रह जाते हैं, ईयर्स तो रह जाते हैं लेकिन डल स्किन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। ईयर्स रहने की वजह से हम बार बार वैक्स पट्टी को लगाते हैं लेकिन डल स्किन एक बार में ही आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डल स्किन के लिए बार बार करेंगे तो स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हेयर्स हल्के हल्के रह गए थे दोस्तों, तो मैंने कोशिश की कि एक बार और पट्टी को ले लेती हूँ ताकि जो भी हेयर्स हैं हमारी स्किन के वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और पूरे दोनों साइड हमने वैक्स को लगाया है, बिन वैक्स को यानी, तो उसके अपोजिट तरफ ही इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उखाड़ेंगे, उसके बाद देखना। एक बार तो डर लगता है लेकिन इतनी पेनफुल नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया और टिकाऊ चीज़ है क्योंकि इससे हेयर्स जल्दी नहीं आते और पेन भी इतना नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं ग्रोथ होती, हल्की हल्की बिल्कुल कंटिन्यू करवाने से दोस्तों कम हो जाती है। देखो मैं बिल्कुल धीरे से उखाड़ रही थी क्योंकि मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा कि हल्के से निकालूं लेकिन जितना सोच रही थी उससे बहुत कम पेन हुआ दोस्तों। इतना आपको भी डरने की भी नहीं है, स्टार्टिंग में अगर हम करते हैं खुद से तो थोड़ा सा होता है, बाद में तो हमें अंदाजा आ जाता है। तो आप लोगों के लिए वीडियो ये दिखाने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए मैंने विनमैक्स से अपने फेस के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो निकाल करके मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई है। जितने पतले पतले भी हेयर्स थे वो अच्छे तरीके से रिमूव हो गए थे, स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी। थ्रेडिंग के भी एक्स्ट्रा हेयर्स अगर आपको से पता है तो आप एक्स्ट्रा हेयर्स अच्छे तरीके से रिमूव इसे कर सकते हैं, वो भी मैं एक वीडियो में अच्छे तरीके से एक और तरीका बता दूंगी उसका, इन बैक से थ्रेडिंग कैसे करती हैं बढ़िया और आसान अच्छे तरीके से। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए मिलते ही रहेंगे।